प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन देश विदेश में धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में कई संगठनों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, जिसमें दिल्ली के मजलिस पार्क में रह रहे पाकिस्तान के विस्थापितों और उनके परिजनों ने भी पीएम का जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही राणा प्रताप बस्ती के मजदूरों ने पीएम मोदी का जन्मदिन फादर ऑफ न्यू इंडिया के रूप में मनाया। यहाँ पर पाकिस्तान से 192 हिंदू परिवार के 1400 सदस्य निवास करते हैं। पाकिस्तान से आए इन परिवारों का पुनर्वास दिल्ली राइडिंग क्लब, विश्व हिंदू परिषद, यूएन हैबिटेट, अक्षय पात्र फाउंडेशन, एसडीजी चौपाल, नागरिक फाउंडेशन और रोटरी क्लब आदि संस्थाओं ने मिलकर किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, दैनिक भास्कर ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन दीपक द्विवेदी, सेवा भारती के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल स्वामी जी जैसे कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मौके पर पाकिस्तान से आए सभी शरणार्थियों के बीच सिलाई मशीन, ई रिक्शा व भोजन सामग्री वितरण किया गया। दिल्ली राइडिंग क्लब फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक संजय राय शेरपुरिया ने पिछले एक साल में यहां पर हुए कार्यों की जानकारी दी और आने वाले समय में यह सेवा रथ को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इसकी सूचना भी दी। फादर ऑफ न्यू इंडिया एक अपने आप में नया शब्द है, फादर ऑफ न्यू इंडिया, क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं, जहाँ पर हम आज सब एकत्रित हुए हैं, या हमारी वसुदेव कुटुंबकम की सनातन अवधारणा का साक्षात प्रमाण है, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस यानी कि 17 सितंबर। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से विस्थापित हिंदू परिवारों की इस बस्ती का कायाकल्प हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर पाकिस्तान के शासकों को दिखाना चाहिए। 2019 में आज के ही दिन नरेंद्र मोदी के सेवा सप्ताह जन्मदिन मनाने हेतु आए थे, कई ऐसे लोगों को लेकर के आए थे जो यहाँ जो भारतवंशी पाकिस्तान से भाग के आए, 10 साल पहले से आकर के ऐसी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। भारतवंशी जो पाकिस्तान से आए, नरेंद्र मोदी ने कानून भी CAA बनाया, अब इनको नागरिकता भी मिलेगी एक व्यवस्थित, ऐसा कहीं झुग्गी झोंपड़ी में भी जो भारतीय झुग्गी झोंपड़ी हैं ऐसी व्यवस्था, बुनियादी व्यवस्था नहीं जितना यहाँ किया गया है। नरेंद्र मोदी को सतायु हो, केवल सतायु ना हो, ये एक एक घर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अजय की तरह भारत की सेवा करते रहें, सीमा की भी सुरक्षा करें, भारतवंशियों की भी सेवा करें और भारत के अंदर रहने वाले सारे भारतवंशियों को विकास के रास्ते पर। वहीं इस मौके पर दैनिक भास्कर ग्रुप के चेयरमैन दीपक द्विवेदी ने कहा, मोदी जी नए भारत के निर्माता के रूप में अपने जन्मदिन पर प्रेरणा दे रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अपने शरणार्थियों को किस तरह जन सहयोग द्वारा एक मॉडल तैयार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प व्यक्त कर चुके हैं कि हमारा नया भारत ऐसा हो और वो नए भारत के निर्माता के रूप में आज अपने जन्म दिवस के मौके पर हम सब लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, हम सब लोगों को ऊर्जा दे रहे हैं। दरअसल मजलिस पार्क आज ये दिल्ली का ही एक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश इसको देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा की मिसाल मजलिस पार्क
एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया है और यूनाइटेड नेशंस से लेकर कॉमनवेल्थ तक जो दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो देख रही हैं कि शरणार्थियों को कैसे सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था जन सहयोग से, सामाजिक सहयोग से और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किस रूप में सम्मानजनक एक व्यवस्था का एक मॉडल तैयार हो रहा है उसकी जीवंत झलक यहाँ मस्जिद पार्क में देखने को मिलती है। मस्जिद पार्क के प्रेरणा स्रोत आदरणीय गिरिराज सिंह जी के तो एक अग्रदूत हैं, लेकिन असली प्रेरणा का पावर हाउस प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।